अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टैक फॉर पीपल। एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि 22 तारीख को मीरपुर बोर्ड का मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो आउट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह ऑनलाइन अपने मोबाइल से अपना रिजल्ट या किसी का भी रिज़ल्ट हम चेक कर सकते हैं। रोल नंबर आपके पास होना चाहिए, आप रोल नंबर डालेंगे और किसी का भी रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। तो गाइस बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो गाइस यहाँ पर एक एप्लीकेशन शो हो रही है, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, और मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का होगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे नीचे जो AJK का ऑप्शन आ रहा है आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक मीरपुर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मैट्रिक का और इंटर का जो रिज़ल्ट है वो अलग अलग शो हो रहे हैं। आप इसको जो भी आपका आप इंटरमीडिएट का अगर आपका रिज़ल्ट है या मैट्रिक का रिज़ल्ट है आपने उसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आपने AJK बेसिक मीरपुर के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे एक जो पेज शो हो रहा है, जब रिज़ल्ट आउट हो जाएगा तो इस ये जो पेज होगा ये पेज नहीं होगा बल्कि इसके अलावा दूसरा पेज होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में जितने भी बोर्ड हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है। तो हम चलते हैं पंजाब के जो रिज़ल्ट हैं उनमें, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं रावलपिंडी बोर्ड। तो रावलपिंडी बोर्ड का जो है जब भी हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो रिज़ल्ट आउट होने के बाद जब AJK के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मीरपुर बोर्ड का जो रिज़ल्ट होगा उसका इंटरफेस भी कुछ इस तरह का होगा। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर फर्स्ट में आपने सेलेक्ट क्लास के ऊपर क्लिक करना है। सेलेक्ट आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने ईयर आपने 2019-18 जो भी रिज़ल्ट आपने चेक करना है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे एंटर रोल नंबर, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर टाइप करना है और उसके बाद व्यू रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो ऑनलाइन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह गाइस आपको दुश्वारी नहीं करनी पड़ेगी और आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। किसी का भी रिज़ल्ट आप अपने मोबाइल में, रोल नंबर आपके पास होना चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।